नमस्कार, निरुति रसोई में आपका स्वागत। चलिए आज देखते हैं निरुति रसोई में क्या स्पेशल बन रहा है। तो फिर चला जाए निरुति रसोई में। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल कटलेट। वेजिटेबल कटलेट बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 पीस मीडियम साइज का बॉयल आलू लिया, इसका छिलका उतार लिया और इस तरीके से ग्रेटर लिया। आपके पास जो भी ग्रेटर हो आप वो ले सकते हैं और इसको ग्रेट कर देंगे। ग्रेट करने से क्या होगा ना कि जब हम कटलेट बनाएंगे तो कोई भी उसमें गांठे नहीं समझ में आएंगी, अच्छे से ग्रेट हो जाएगा। और एक छोटा टुकड़ा मेरे पास पनीर का था, बस इस पनीर को भी हम ग्रेट कर देंगे। पनीर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। बस इसको भी ग्रेट कर लेंगे ताकि पता नहीं चलेगा। एक मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसको भी हमने बहुत छोटा छोटा पीस में काट लिया और इस तरीके से मसल के डालेंगे ताकि सारी लेयर इसकी खुल जाएगी, जो अच्छा लगेगा। एक छोटा सा मेरे पास गाजर था, उसका भी हमने छिलका उतार के कद्दूकस कर लिया। एक छोटा टुकड़ा पत्ता गोभी का था, इसको बंद गोभी भी बोलते हैं, इसको भी हमने कद्दूकस कर लिया। और एक छोटी शिमला मिर्च थी, इसके भी बीज निकाल के छोटे छोटे पीस हमने कर लिए। और लगभग 2-3 चम्मच हरी मटर और कॉर्न था मेरे पास, ये फ्रोजन है, इसको भी हमने डाल दिया। एक छोटा टुकड़ा अदरक का और एक हरी मिर्च, इसको भी बारीक बारीक काट के डाल दिया है। और साथ में डालेंगे खूब ढेर सारी धनिया पत्ती, जिससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। और यहाँ पे जाएगा 1/4 चम्मच गरम मसाला और साथ में डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार, बहुत ज़्यादा मसाले हम डाले ही नहीं। और एक बड़ा चम्मच हमने लिया है नींबू का रस और यहाँ पे हमने लिया है करीब आधा कप ब्रेड क्रम्स। बस बहुत बढ़िया बनेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से क्या होगा ना, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इस टिप्स को आप जब भी कटलेट बनाइए जरूर फॉलो कीजिए। और इसको कर लेंगे हम मिक्स। ये कटलेट इतना ज़बरदस्त बनता है कि जब आप बनाएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, इसका स्वाद बहुत बढ़िया होगा। और हाथ को साफ करके इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने इसमें बिल्कुल वही सामान डाला है जो हर घर में अवेलेबल होता है। अब हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे ताकि कटलेट आराम से बन जाएगा। जितना बड़ा आपको बनाना है ये आप अपने हिसाब से डिसाइड आपको करना पड़ेगा, बड़ा छोटा जो भी शेप बनाना, इस तरीके से आप बना के रख लीजिए। सभी सब्जी को जो आप डालेंगे इसमें पहले वॉश करके उसको सुखा लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें डालिएगा। आलू को भी लगभग 80% ही कुक करना है। बस देख रहे हैं ना, ये शेप हमने बनाया है बिल्कुल टिक्की वाला। आप चाहें तो ओवल शेप भी इसको कर सकते हैं या बॉल वाला प्लेन शेप होता है उसको भी आप बना सकते हैं, जो आपको ईजी पड़े वो आप बना लीजिए। और ये कटलेट ऐसा है कि आप इसको बना के एयर टाइट डब्बे में एक हफ्ता फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस देखिए इतने सारे कटलेट बनके तैयार है, बस इसको हम रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। जब भी हमको फ्राई करना होगा तो हम निकालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्रिज में डालने से क्या होता है ना कि जब आप फ्राई करेंगे बहुत क्रिस्पी बनेगा। और यहाँ पे हमने लिया है ये ब्रेड क्रम्स, ये मार्केट में बड़े आराम से मिलता है, हमने भी ये मार्केट से ही लिया है। और साथ में हम बनाएंगे स्लरी, जिसके लिए हमने 3-4 चम्मच लिया मैदा और इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा। सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं ना, स्लरी बनाते हैं उसमें नमक नहीं डालते, जिसके कारण वो फीका लगता है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। एकदम से पानी नहीं डालना है कि एकदम पतला हो जाए, अभी हम आपको दिखाएंगे। और मिक्स करते जाएंगे, इससे कोई भी लम्स नहीं बने पड़ेगा इसमें। ये देखिए बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, परफेक्ट, बस इतना ही रखना है। अब करना क्या, फ्रिज से निकालेंगे और बस इस तरीके से इसको डिप कर लेंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाए। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद पूरा प्लेट में रख लीजिए या आप फ्रिज में एयर टाइट डब्बे में ऐसे भी करके रख सकते हैं। जब कोई आए आप तैयारी कर लीजिए, बस जब बनाना हो फटाफट फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कर लीजिए या एयर फ्रायर में भी आप इसको कर सकते हैं 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए।
ये देखिए एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। अब जब फ्राई करना होगा उसके पहले इसको निकालेंगे और हाथ से इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ब्रेड क्रम्स इसमें चिपक जाएगा, फ्राई करते समय बिल्कुल नहीं निकलेगा। यहाँ पे हमने लिया पैन और इसका ऑयल हमने गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम में कर दिया ताकि एक तार कलर आएगा, एकदम एक ही कलर, ऐसा नहीं कहीं डार्क कहीं लाइट, ऐसा कुछ नहीं। बस स्पेस बनाते हुए पहले अभी हम तीन ही डालेंगे और फिर इसके ऊपर ऑयल से कोट कर देंगे ताकि ऊपर की तह भी अच्छे से सिक जाएगी, क्योंकि बिल्कुल फिर नहीं निकलेगा। और बहुत ज़्यादा इसको अलट पलट अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, जब निचला हिस्सा आपको लगेगा ना कि ब्राउन हो गया है बस तभी पलटेंगे। और स्पेस बनाते हुए एक और इसमें हम डाल लेंगे। जैसे हम बता रहे थे कि जो सब्जी हमने पहले धो के इसको सुखा के डाली है, अगर आप इसमें चाहें तो और भी जो आपको वेजिटेबल पसंद है वो आप डाल सकते हैं, जैसे मशरूम है, फूल गोभी है, जो आप क्या खाते हैं। क्या होता है ना, अक्सर बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते, इस तरीके से आप कटलेट बनाइए और बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। बहुत अच्छी रेसिपी है ये, बच्चे बड़े खुशी खुशी टिफ़िन करके आएंगे। बस इसको मीडियम फ्लेम में ही अलट पलट करते रहेंगे और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। सामान सारे वही डाले हैं जो हर लेडीज़ के किचन में अवेलेबल होते हैं, कोई एक्स्ट्रा सामान हमने डाला ही नहीं है। बस इसको जब सिक जाए, देखिए बिल्कुल भी ऑयल गंदा नहीं हुआ, एकदम साफ है। और एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा के इसको हम निकाल लेंगे ताकि जो भी हल्का फुल्का ऑयल है वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस इसको निकाल, देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है ना, बस इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे और दूसरा बैच भी हम डाल देंगे। और इसके साथ में आप चाय कॉफ़ी जो ले बस फटाफट बना लीजिए, बहुत बढ़िया स्टार्टर रेसिपी भी है। अगर आप कुछ किटी पार्टी या कोई बर्थडे पार्टी कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप पहले से इसको तैयार करके रख लीजिए। मेरे चैनल पे और भी ऐसी बहुत सारी रेसिपी है जिसको आप चैनल पे जाके विजिट करिए और देखिए और सबको बनाइए, सबको बहुत अच्छा लगेगा। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। आज इस कटलेट को हम स्प्लैटर में सर्व करेंगे, बस प्याज से थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया, साथ में यहाँ हमने बनाया टमाटो केचप। ये इसका लिंक आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप आराम से बना सकते हैं। अब तो टमाटर सस्ता भी हो गया और बहुत कम बजट में आपका टमाटो केचप बनके तैयार हो जाएगा। बस हमको तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, हम इसलिए ऐसे ही सेट कर रहे हैं। आपको जैसे और सर्व करना उस तरीके से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ती, आप चाहें तो पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, गाजर भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, जो आपके घर में पसंद हो। बस सुंदर बनाना है दिखने से। अभी हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कितना क्रिस्पी भी है। देखिए है ना जबरदस्त, बस फटाफट बनाइए, वेजिटेबल कटलेट बनके तैयार है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।